में कोई भी ऐसा आउटसोर्सिंग का कर्मचारी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमारे रिकॉर्ड पे रहे और काम पे न रहे। तो 3 दिनों की हड़ताल पर हैं बिजली कर्मचारी, 72 घंटे की उनकी सांकेतिक हड़ताल है। इस दौरान बातचीत की कवायद की जा रही है, कोशिश की जा रही है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि बातचीत के सारे दरवाजे खुले हैं। इसके बावजूद बिजली कर्मचारी अगर हड़ताल समाप्त कर वापस काम पर नहीं लौटते हैं तो शाम 6 बजे के बाद बर्खास्तगी की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बैठक हुई और उस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन तमाम बातों का जिक्र किया है ऊर्जा मंत्री ने। तो ऊर्जा मंत्री AK शर्मा की ओर से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनवाते हैं। जो व्यक्ति आज शाम तक काम पे नहीं आएगा 6 बजे तक, संविदा कर्मी आउटसोर्सिंग कर्मचारी उसे निकालते हुए हम नए लोगों की भर्ती करने की हमने पूरी तैयारी कर ली है। इस प्रक्रिया में की मॉनिटरिंग मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा सभी जिलाधिकारी गण का, पुलिस के हमारे सभी अधिकारियों का और प्रशासन के सभी अंगों का कि सभी ने हमको बहुत सहयोग दिया है बिजली विभाग के इस चुनौतीपूर्ण समय में। लेकिन आगे भी मैं निवेदन करता हूं कि सभी जिलाधिकारी इस बात की समीक्षा कर लें कि कोई भी ऐसा संविदा कर्मी, कोई भी ऐसा आउटसोर्सिंग का कर्मचारी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमारे रिकॉर्ड पे रहे और काम पे न रहे। तो 3 दिनों की हड़ताल पर हैं बिजली कर्मचारी, 72 घंटे की उनकी सांकेतिक हड़ताल है। इस दौरान